हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद प्रियांश। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप दो डिक्शनरी को सिंगल एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हो। ओके, तो एक काम करते हैं, हम पहले दो डिक्शनरी बना लेते हैं। तो मैं एक पहली का नाम देता हूँ करेंट, उस सेकेंड का नाम देता हूँ लेटर। ओके, तो मैं यहाँ पर करेंट नाम की डिक्शनरी बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं वन लिख देता हूँ और यहाँ पर नेम्स पास कर देता हूँ, जैसे प्रियांश, और सेकेंड बना लेता हूँ उसमें मैं पास कर देता हूँ सिद्धांत। ओके, उसके बाद मैं एक और डिक्शनरी बना लेता हूँ लेटर नाम की। तो मैं यहाँ पे लेटर नाम की बना लेता हूँ डिक्शनरी, उसमें मैं थ्री और फोर पास करूँगा। मैं आपको सिंगल लाइन के थ्रू कैसे आप इनको ऐड कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको लिखना है थ्री, और यहाँ पर आपको नेम देते, जैसे मैं देता हूँ राजा, और फोर्थ में मैं देता हूँ मनु। ओके, मैं आपको अपडेट फंक्शन के थ्रू ये करके नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको दूसरा तरीका आज बताने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमको जस्ट एक काम करते हैं, न्यू डिक्शनरी एक नया वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, तो मैं उसका नाम मर्ज रख देता हूँ। यहाँ पे हमको लिखना है कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, पहले नंबर तो कर्ली ब्रेसेस लगा के हमें यहाँ पर डबल स्टार लगाने हैं, और यहाँ पे हम करेंट जो मतलब फर्स्ट डिक्शनरी है और सेकेंड डिक्शनरी का हमें यहाँ पर नाम पास करें। यहाँ पर हम लिख देते हैं फिर से लगाने पड़ेंगे हमको डबल एस्ट्रिक, उसके बाद हमको सेकेंड डिक्शनरी का नाम हमारा पास कर देना है। उसके बाद जैसे मैं इस मर्ज वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा तो देखो क्या हमारे सामने प्रिंट होके आने वाला है। जैसे मैंने मर्ज को प्रिंट कराया तो देखो क्या हमारे सामने आया, तो देख पा रहे हैं आप हमारी दोनों डिक्शनरी थी वो आपस में मर्ज हो चुकी हैं, वो भी विदाउट अपडेट फंक्शन का यूज़ किए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।